दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और चार दिन तक ईडी की हिरासत में ही रहेंगे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है। हालांकि ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। अगले दिन कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया था। इससे पहले सीएम केजरीवाल ने खुद अपनी दलीलें पेश की कोर्ट में। केजरीवाल ने कहा कि यह केस 2 साल पहले से चल रहा है। अगस्त 2022 में सीबीआई ने केस फाइल किया था, फिर ईडी ने केस दर्ज किया, मुझे गिरफ्तार किया, ना मुझे किसी कोर्ट ने दोषी ठहराया है और ना ही आरोप तय हुए हैं। वहीं केजरीवाल ने इस दौरान इस मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों के बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं केवल यह जानना चाहता हूं क्या ये 4 बयान एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ये 4 आरोपी आखिर कौन हैं जिनके बयानों का जिक्र केजरीवाल ने किया। तो आपको बता दें, सबसे पहला नाम था सी अरविंद, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पीए रहे हैं सी अरविंद। ईडी ने दावा किया था कि पूछताछ में सी अरविंद ने बताया था कि सीएम केजरीवाल के आवास पर एक बैठक हुई थी जिसमें मनीष सिसोदिया ने उन्हें शराब नीति का ड्राफ्ट सौंपा था, जिस पर केजरीवाल का यह दावा रहा कि मेरे घर पर ढेरों मंत्री आते हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं, खुसर पुसर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स देते हैं। क्या ये बयान एक सीएम को अरेस्ट करने के लिए काफी है? दूसरा नाम था मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी। आंध्र प्रदेश की ओंगोले लोकसभा सीट से वाईएसआर कांग्रेस के सांसद हैं ये। ईडी को उन्होंने बताया था कि अखबार में नई शराब नीति का विज्ञापन देखने के बाद 16 मार्च 2021 को उन्होंने सीएम केजरीवाल से मुलाकात की थी। श्रीनिवासुलु रेड्डी बाद में सरकारी गवाह बन गए और इस पर केजरीवाल ने दावा किया कि बयान पर बयान दर्ज हो रहे थे जब तक वो मेरे खिलाफ बयान नहीं दे रहे थे। इसका मतलब ईडी का मकसद मुझे फंसाना था। तीसरा नाम राघव मंगुटा, एम श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे हैं ये राघव मंगुटा, जो कि सरकारी गवाह बन गए। ईडी की रिमांड कॉपी के मुताबिक राघव ने दावा किया था कि केजरीवाल ने उनके पिता को दिल्ली बुलाया था और पंजाब और गोवा में होने वाले चुनाव के लिए कथित तौर पर फंडिंग मांगी थी। उन्होंने चुनाव के लिए 100 करोड़ रूपये का फंड मांगा था। इस पर केजरीवाल ने कोर्ट में दावा दिया कि उनके 5 बयान दर्ज होते हैं, वो वही बोलते हैं जो उन्होंने बोला। जब उनके पिताजी बयान बदलते हैं उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये जो 6 बयान है जिसमें वो मेरे बारे में नहीं बोलते हैं, उसे रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाता है। चौथा नाम था आरोपियों में सरत रेड्डी। अरबिंदो फार्मा के फाउंडर पीवी रामप्रसाद रेड्डी के बेटे हैं सरत रेड्डी। हैदराबाद के कारोबारी सरत रेड्डी भी पिछले साल सरकारी गवाह बन गए थे। सरत रेड्डी भी उसी साउथ ग्रुप का हिस्सा है जिन्होंने कथित तौर पर आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। इस पर केजरीवाल ने कल दावा पेश किया कि सरत रेड्डी ने 55 करोड़ का डोनेशन बीजेपी को दिया। मेरे पास सबूत है कि ये रैकेट चल रहा है। उसने गिरफ्तार होने के बाद 50 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया। इसके अलावा आपको बता दें, कल कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा कि मैं केवल ये जानना चाहता हूं क्या ये 4 बयान एक मौजूदा सीएम को अरेस्ट करने के लिए काफी हैं। 1 लाख पेज जो ईडी के दफ्तर में हैं हमारे फेवर में, उन्हें रिकॉर्ड पर नहीं लाया जाता है। केजरीवाल ने आगे कहा कि ये जो 100 करोड़ बोल रहे हैं वो तो असल में कहीं नहीं है। ये असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच के बाद। उन्होंने कहा कि ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को कुचलना है। केजरीवाल ने कहा कि जितने दिन तक ईडी हमें रिमांड पर रखना चाहे हमें मंजूर है।